पंडित श्रीपत नारायण झा जी जी, इसी मिथिला नगरी में राजा भोज थे। कहाँ के रहने वाले आप? उज्जैन के रहने वाले हुआ धनोजा जी। और इस स्थान के बारे में बताएं जरा, जो मैं स्थान पे खड़ा हूँ, काली स्थान पे। हाँ, कहिए ना, हम कह रहे हैं आपको सुनिए जी। इसी मिथिला नगरी में राजा भोज थे, उनकी बेटी थी विद्योत्मा, इतनी पढ़ी लिखी थी जो राज दरबार के जितने भी पंडित थे, हर पंडितों को शास्त्रार्थ में विद्योत्मा परास्त कर रखी थी। पंडित लोग अपमान का बदला लेने के लिए समय की तलाश, राजा भोज को नहीं था जो हमारी बेटी राज दरबार के पंडितों को शास्त्रार्थ में परास्त कर रखी है। जब शादी लायक हो गई विद्योत्मा तो राजा भोज ने दरबारी पंडितों से कहा, जो हमारी बेटी शादी लायक हो चुकी है, इसके लिए सुयोग्य और विद्वान लड़का आप लोग खोज करके लाइए। हमारी बेटी को शास्त्रार्थ में जो लड़का परास्त कर देगा उसी के साथ विद्योत्मा की शादी होगी, जैसे राजा जनक का प्रण था, जो धनुष खंडन करेगा उसी के साथ माता ताली मारना चालू किया। अरे, अपमान का बदला लेने का तो मौका आ गया, विद्योत्मा को तो ऐसे महामूर्खों के साथ शादी करवा दो जो जीवन भर वो रोती रह जाएगी। इंसान हर कुछ सहन कर सकता है, वरना अपमान ही बर्दाश्त होता है, अपमान के ही कारण लोग कट जाता है, डूब जाता है, मर जाता है। पंडित लोग आपस में विचार करके मूर्खों की तलाश के लिए चारों दिशाओं की ओर निकल पड़ा। दक्षिण दिशा की ओर जो पंडित सब मूर्खों की तलाश के लिए जो निकले हुए था, तो देखा एक घनघोर जंगल में एक महामूर्ख जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को काट रहा था। पंडित लोग कहा, अरे मूर्ख तो मिल गया, इसे तो भी ज्ञान नहीं है, जिस डाली पर बैठा हो डाली कटेगा, नीचे गिरेगा, मर जाएगा, इससे बड़ा मूर्ख कहाँ मिल पाएगा। उतरो उतरो, तुम्हारा नाम क्या है? तो कह दिया, जैसा नाम है वैसा गुण भी देख लिया, सत्य एक है, राजा की बेटी विद्योत्मा हम लोगों को शास्त्रार्थ में परास्त कर रखी है, इसलिए तेरे ही ऐसे मूर्खों की तलाश सो तुम मिल गई हो। सुनो, राज दरबार में पहुँचने के बाद विद्योत्मा क्या प्रश्न करेगी? प्रश्न का उत्तर तुम यही समझ लो चुकी हो महामूर्ख। सबसे पहले एक उंगली दिखाती है, एक उंगली दिखाने का भाव और अर्थ क्या होता है? ईश्वर होता है एक, भगवान कहते हैं एको हम द्वितीयो नास्ति, मेरे सिवा दुनिया में दूसरा है ही नहीं कोई, मुझे जब जैसी जैसी लीलाएं करनी पड़ती है वैसा वैसा मुझे रूप भी धारण करना पड़ता है। लेकिन तुम हो महामूर्ख, तुझे भी दो उंगली का अर्थ बता देता हूँ, हकीकत नहीं है, आत्मा और परमात्मा का के हम पंडितों की मेजोरिटी जाते हैं, शादी तो तेरी हो जाएगी लेकिन सब तेरे साथ एक है। राजा ने कहा सुजोग और विद्वान लड़का लाने के लिए, लेकिन अपमान के कारण तेरे ही ऐसे मूर्खों को मैं राज दरबार में ले जा रहा हूँ। राज दरबार में पहुँचने के बाद अपने मुँह से अकर बकर सब मत बोलना, यदि बोल पाओगे तो राजा हम लोगों को जो गति करेगा सो करेगा ही, तुझे तो तूर कैसे धूल दिया जाएगा। साइलेंट रहना, चुपचाप रहना, बोलना भूखना मत, चलते चलो। राज दरबार में पहुँचने के बाद नेपाल से आए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, मतलब क्या उच्चैठ भगवती का दर्शन करने के लिए आए हैं या इस स्थान का दर्शन करने के लिए आए हैं? एरिया दर्शन करने के लिए। अच्छा, ये जो उच्चैठ स्थान है उसका दर्शन करने के लिए आए हैं। तो नेपाल से यहाँ पे कितना घंटा लगा? इससे पहले भी आए थे या कभी? महीने में दो तीन बार आ जाते हैं। स्थानीय भाषा जानते हैं आप लोग या नेपाल का भाषा जानते हैं? हम लोग दोनों जानते हैं, तीन चार भाषा जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, नेपाली भी जानते हैं, और यहाँ का स्थानीय हम लोगों का भाषा मिलता ही है दोनों। कैसा लगा यहाँ पर आके स्थान पर? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। पहले कभी बचपन में पढ़े होंगे कालिदास के बारे में, सुने होंगे, यहाँ पर आके सब कुछ देखे हैं जी, बचपन से आ रहे हैं, देख रहे हैं। और भगवती स्थान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जगत जननी माता, उसे तो बचपन से ही सुन रहे हैं, उनके लिए जी उनसे जो मुराद होता है हम लोगों को पूरा होता है। आखिर क्या मतलब अद्भुत है ये कहानी। आप लोग क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर आए हैं आप लोग साथ में दर्शन करने के लिए? ऐसे ही एंजॉय लेंगे, दर्शन किए हैं आके बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ से निकल जाएंगे? कितना घंटा लगेगा फिर यहाँ से निकलने में, जाने में? एक दो घंटे। एक दो घंटे, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।